भाई लगा के देख रहे कौन, अभी तो हमने करी फाइनल ब्लैक पीपीएफ। भाई पीपीयू और पीपीएफ में क्या फर्क है भाई? टीपीएच में सेल्फ फीलिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, टीपीयू में सेल्फ फीलिंग प्रॉपर्टी होती है। जैसे नॉर्मल नाखून की झाड़ियों की जो स्क्रैच लगते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। और रिलीज भाई ये स्टार्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि रिलीज भाई एडिटिंग में बिजी है, वीडियो आनी है। तो भाई मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारे लिए फाउंडेशन जो हम लोग हर सैटरडे को खाना लगाते हैं भाई, अभी भी अपना 7-8 महीने से चल रहा है। आज मस्त भीड़ है क्योंकि राजमा चावल बने। अभिषेक अभी लाइव गया हुआ है एलिशादा फाउंडेशन के ऐप से, वो आईडी से। तो भाई आज हमने बनवाए हैं राजमा, अपने पास है चावल एज यूजुअल, और 5 रुपए का हमारा खाना, और सब बहुत बढ़िया। भीड़ लगी हुई है। एलिस भाई भी आज आने की कह रहे थे पर अनफॉर्चुनेटली भाई ब्रांड को वीडियो देनी पड़ी तो वो एडिटिंग में बिजी है। फिलहाल भाई अपना खाना मस्त चल रहा है अपना एलिशादा फाउंडेशन। बहुत जल्द जल्दी और सारे इनिशिएटिव आने वाले हैं। अंकल खाना बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही खाने में? स्वाद है ना? चलो जी बढ़िया भाई। बाकी सब अपना हमने डस्टबिन वगैरह भी लगाए हुए हैं, सब खा रहे हैं 5-5 रुपए में खाना भाई। और एड्रेस मैं बता दूं हर बार की तरह भाई, डॉक्टर लाल नर्सिंग होम है न्यू रेलवे रोड पे, उसके बिल्कुल अपोजिट पड़ता भाई मलिक टेंट हाउस। तो भाई वहाँ पे हमारे सारा लगता है। अंकल को भी बहुत ज्यादा थैंक यू, वो पूरा सेटअप करके हमको देते हैं। और भाई मस्त अपनी भीड़ लग रही है आज तो, राजमा चावल के शौकीन गाइस। भाई घर देखो गति सुना सुना सा हुआ यार मोटे के बिना, देखियो एवरीथिंग इज एम्प्टी। रसोई में खाना बनाया करती नोबडी, क्या करे बताओ, खाना कैसे खाए, खाना कौन बनाएगा? यो क्या है भाई, ये तो अभी देखा मैंने, अपने जाने की खुशी में मम्मी कुछ छोड़ के गई है क्या? ओ माय गॉड, बेसन के लड्डू मिल गए भाई। चलो एक अच्छी चीज़ तो मिली मेरे को, मैंने तो खुद खाना भी ना डालना होगा, भगवान पसंद ढंगता है कौन रखेगा अब ढंग था मेरा। गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज उदास लग रहा हूँ तुम्हें मैं, नहीं आजाद हूँ भाई, ऐसा ही होता है यार, समझ रहे हो? नहीं भाई यार मम्मी की याद आ रही है, पहले दिन याद आने लगी क्या मेरे को मम्मी की? पर चलो कोई नहीं, कुछ दिनों की बात है, मम्मी वापस आ जाएगी थाईलैंड से। इतना मैं यो खा रहा था अपने भाई, यो जो है ना फन फ्लिप से कभी मत खाना भाई, बहुत बेकार घटिया रद्दी रद्दी रद्दी, एक खाया सिर्फ एक, महा घटिया। और ये नहीं कह रहा मैं कि इसे मत, इसे इस वाले पैकेट को मत लेना, फन फ्लिप बेसक खा लेना, हम तो अपने बेसन के लड्डू खाएंगे, मौज काटेंगे। अभी आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है अपनी फॉर्चुनर के लिए, क्योंकि बहुत दिन से जो मैं चाह रहा था वो आज होने वाला है, बताऊंगा तुम्हें। बढ़िया डैड लूँ जूते पहने हैं ये वाले, ये देख लो इस पे लग रहे हैं बढ़िया, वेरी नाइस एंड ग्रुप, देख लो नाइस जूता, इसी की तो बिटिंग मारी है। तो ना बेचूँ भाई, मैं पहले सोच रहा था बेच दूँ, अपना बेचूँ। लो भाई बहुत तगड़ा सनसेट देख लो, येलो कलर का। मैं सोच रहा यार रेड नहीं पता कब दिखता है, रेड तो देखे बहुत टाइम हो गए, पर येलो देख लो ये मिक्स है थोड़ा, है चल जाएगा तुम्हें, क्या बढ़िया लग रहा ना ये। इस टाइम हो रहा गोल्डन आवर, गोल्डन आवर बोलते हैं इसको, जिसमें फोटो अच्छी आती है। हम लोग सोच रहे हो ना एलविस भाई आज कैसा अकेले अकेले हांड रहे हो? अकेले अकेले नहीं हांड रहा भाई, मेरी जो टीम है वो आ रही है रास्ते में, फिर हम जाएंगे पीपीएफ। मैं इस पे गाड़ी पे पता क्या करवा रहा हूँ, गाड़ी पे मैं रैप नहीं करवा रहा, मैं करवा रहा हूँ ब्लैक पीपीएफ, समझ रहे हो? वो कुछ और है, वो भाई बताएगा जिसके बाद देखने जाएंगे हम। कि बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि फॉर्चुनर पे, मेरे पे वाइट रैप है, इस पे कुछ और टाइप का कराते हैं, बट फॉर्चुनर यार वाइट कलर में होती है, ब्लैक कलर में होती है, और तो पता नहीं भाई किस कलर में, लाल कलर की थोड़ी करा दूंगा इसको कि लाल कलर हो गई गाड़ी यार, लाल फॉर्चुनर चला रहा हूँ ये पॉसिबल नहीं। तो ब्लैक, जैसे विकास भाई की ना उनकी ग्लॉस है, तो मैं ग्लॉस भी देख के आऊँगा, मैट भी देख के आऊँगा, जोन सी अच्छी लगेगी, फिर गाड़ी क्या तो आज ही दे आएंगे या फिर मेरे हिसाब से दे आएंगे हम कल परसों, जैसा भी टाइम लगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना वैलेंटाइंस डे आ रहा है और मैं मेरी बहू गैल बिजी रहूँगा। तुम लोग सोच रहे हो भाई तुम जोक मारते, जोक नहीं है मजाक से हटके। अरे वो भाई सीरियसली मत ले लेना, वो भाई इन चक्करों से बहुत दूर हूँ मैं, बहुत खुश हूँ अकेले, सिंगल लाइफ इज बेस्ट लाइफ, कुछ नहीं धरा, मोह माया ख़त्म कर दो, ये छोरी छारी वाली, अपने अकेले जियो, लंबा जियो लंबा। आजकल ये चल रहे हैं चॉकलेट डे, टेडी डे, हग डे, किस डे, और वैलेंटाइंस डे आएगा, और भी रहवा है प्रोमिस डे, और कौन सा डे रहवा है लो वो पता ना कौन सा डे रहवा है जो आजकल चोचले चल रहे हैं भाई, पता नहीं यार कौन बंदे मना रहे हैं इनको यार। मेरी हमारे सर्कल में तो सारा कोई ना मना रहा, ना किसी हमने कोई प्रोमिस करता देखा, क्योंकि सारे झूठे। लो जी ये हमारे भाई जा रहे, बहुत बढ़िया भाई, शायद भाई दूध लेके जा रहे थे या फिर कुछ और था यार, पता नहीं जो भी था, देख रहे हो स्क्रिप्टेड था ये, 100 रुपये दिए मैंने भाई को पेटीएम की, प्लीज़ यार आ जाना मेरे व्लॉग में ऐसे ऐसे टाइम पे, ये निकल गया मैं, ये
निकल गया निकल गया, बत्ती नहीं तोड़ी कभी तो मैं सोच रहा बत्ती तोड़ी ऐसी निकल गया भाई मैं। और मैं कह रहा हूँ हमारे ग्रुप में ना देखा मैंने कोई प्रॉमिस करता ना साले किसी गले मिलते देखे हमने, कटारे को अलग कर रहा हूँ पर मैं कटारे हर चीज़ की पूरी कर रहा भाई, टैडी की जगह टैडी पहुँचा कर रहा, चॉकलेट की जगह चॉकलेट दे रहा, और प्रॉमिस की जगह प्रॉमिस कर रहा, और भी कर रहा सारी चीज बता नहीं सकता मैं इतनी। इस टाइम गाड़ी गंदी हो रखी है जज मत करना, बट अपनी गाड़ी पे ना वाइट रैप है ये देख रहे हो तुम, दिस इज रैप सुपर वाइट, नहीं तो अपनी थी पर्ल वाइट, तो इसमें दिख गया ना यार क्या धूल चढ़ रखी है मेरे गाड़ी, यहाँ पे गाड़ी साफ करने वाला लगा रखा बट मैं यहाँ पे ना कम रहता हूँ और घर वाला मेरा बग्गा। ऑडी किसकी है? तो मुझे लगा सी ए भाई की आगे, तो भाई ये कलर अब हम करा रहे हैं चेंज, अभी होगी ब्लैक, तो एक बार ये पूछ के आऊँगा कि जो ये स्क्रैच लग रखे हैं ये क्या अंदर पेंट तक है या फिर जो भी है ढक दियो इनको जैसा भी करना हो, क्योंकि मैं रैप पे ही चलाऊंगा वो भाई प्रोटेक्शन रहती है एक, मतलब अगर इसके ऊपर पीपीएफ चढ़ जाएगी ना या फिर ये जो इस टाइम रैप है ना ये प्रोटेक्शन है इसकी, ओरिजिनल पेंट में नहीं पता क्या क्या हो जाता बट जब तक ये चढ़ रखा ना इस पे मतलब ऊपर कुछ छोटा मोटा लग गया तो वो इसके ऊपर है रैप के ऊपर ना कि ओरिजिनल पेंट के ऊपर, समझ रहे हो। अभी कटारी आ रहा है अर्चित आ रहा और फिर निकलेंगे देखने के लिए। भाई राइडर साहब आ गए, बाल कटवाए तूने? तूने पता नहीं तुझे पता होगा, मैंने नहीं भाई मस्त लग रहे हैं, दाढ़ी सेट कराई, दाढ़ी पागल है किसने बोल दिया ये आराम दो भाई। अरे मैं स्मार्ट लगता हूँ यार जब नहा के निकलता हूँ, तुम्हें लगता मैं बाल कटवा के आया हूँ? इसमें क्या लेके आया भैया? अच्छा जी आपके लिए। ओ माय गॉड यार तो मम्मी निकली यार, मम्मी की यार इसका क्या हो रहा है, साढ़े कुछ है इधर कौन सी लाइट चस रही है? ये है ना ये वाली खराब हो रही है, ये देखो ओशे मुँह पे चौंदा लगवा दिया बाल को। गए वाह वाह बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए भी एक गिफ्ट लाया हूँ मैं। अच्छा जी क्या गिफ्ट है? आ बैठ आटे में बैठ, आ जा दिखाऊँ गिफ्ट, आ जा। कोई गिफ्ट ना है? ओ कोई ना मजाक कर रहा हूँ यार भाई, ऊपर चलो भाई। कहाँ जा भाई? हम आ लिए कहाँ से को? हम यहाँ मैगडी धोना आ लिए बस, एक मिनट का रास्ता है। थोड़ा और आगे ना आ जाओ। ठीक है भाई। लाइट चल रही है, मैं आ गया मैं। ओके। भाई की बुआ के बाल आ गए हैं भाई, कुछ बताओ उनके बारे में। क्या भाई यार का नया शोरूम आएगा पीपीएफ डिटेलिंग का, तो वहीं जा रहे हैं इसमें गाड़ी गाड़ी में काम करवाना भाई की गाड़ी में। तो रूस क्यों गया मेरे तू? अरे मैं तो रूस से ना करूँ, तू रूस जा। देख मैं नया नया दवा लग रहा हूँ आज मैं, तू ना नया इतनी तो बात कर ही रहा तेरे, जितनी तो कोशिश कर रहा। इतनी बात करने की कोशिश कर रहा मेरे से, इतनी कर रहा हूँ मैं। मत कर मत कर, जो पूछा जा रहा है ऐसी तैसी करो मार ली गए भाई। देख लो भाई, भाई देख लो मेरे को कैसे गंदे तरीके से ट्रीट करता है पीछे तो हंस रहा इस बात पे साले, तो मैं दूंगा तेरा बोटे। हमारा तो मजाक उड़ा था वो, मैंने कहा हमारा तो मजाक उड़ा सको हम उड़ा देते तार ले फिरने मेरे तक क्या होगा कि नीचे न उतर भाई। ऐसे तो बोलू ना हूं मैं, कहां नीचे मेरे नीचे न उतर भाई, यहां तक आके दबाऊंगा। कहां दबाऊंगा ना भाई गाड़ी अभी बताऊंगा। रैप और पीपीएफ में डिफरेंस जो हम करवाने जा रहे हैं, फॉर्च्यूनर रोक आएगी नहीं, वो हटाएंगे लाल वाला कपड़ा, नोनी लगनी चाहिए साले की नई गाड़ी लेगा। और कुछ और कुछ बस भाई, कहाँ है चलना ये भाई यार, कहाँ है वो बंदा तुम्हारा? यही कहीं होगा, यही आगे है, यही होगा। बड़ी अच्छी लग रही है तो, ये तो हुंडई का शोरूम है। भाई एक तो दिखाया भाई में, ये यो क्या है भाई बताओगे मन्ना मेरा? तेरी बॉक्स करो ना भाई, ये वो है ब्लैक पीपीएफ। पीपीएफ भी तो बहुत टाइप की रहे, ड्रैगन पीपीएफ है, कौन सी पीपीएफ है जितना बताओगे ड्रैगन नाम? बेटा मेरे को पहले से पता है सब कुछ, क्यों भाई ये भाई ग्लोस ब्लैक पीपीएफ है, ये ड्रैगन पीपीएफ है, ये ड्रैगन नहीं ग्लोस ब्लैक पीपीएफ है। ड्रैगन कौन सी होती है? ड्रैगन पीपीएफ में ड्रैगन नहीं आती, वो नाम रख रखे जैसे अपना किसी का आउटलेट है, किसी फ्रेंचाइजी का आउटलेट है, उसने अपना लग दिया अल्ट्रा एक्स प्रो, वो वैसे नाम हो रखा है इस पे हो रखा है ये। इसका भी तो डिटेल के इस पर हम मैट पूरी पे मैट पीपीएफ कर रहे हैं। अच्छा ये इसका कलर क्या चीज है? ये नॉर्मल कलर है, शाइन करी, हाँ नॉर्मल कलर है, शाइन करी अभी। अच्छा जी प्रिपेयर कर रहे हैं गाड़ी को, अभी देख लो ना ये भी सेम ऐसी प्रिपेयर होगी गाड़ी। हमें लगा ये चढ़ा रखा है, नहीं नहीं कुछ नहीं चढ़ा रखा भाई, नॉर्मल बिल्कुल स्ट्रोक पेंट है, कंपनी से भी ज्यादा शाइन है नाइस। और इस वाली पे पीपीएफ सारी गाड़ी गाड़ी आ रखी है, तो अभी वाइट गई है एक्सयूवी 700 अभी वाइट होके गई है, इसमें पीपीएफ हो रखी है, इसका परली साइड के किसी ने बिड़ा दी थी गाड़ी। इस पे ट्रांसपेरेंट वाली है, हाँ, इस पे ट्रांसपेरेंट है, ग्लोस ग्लोस वाइट है, नॉर्मल वाइट नॉर्मल। इस पे मैट करेंगे अभी, इसको पूरी को नॉर्मल मैट ग्लोस में ट्रांसपेरेंट में करेंगे, बट कलर ऑटोमेटिकली मैट में आ जाएगा। अपनी पे कौन सा जमेगा भाई? अपनी पे एक बार दिखाते हैं, पहले आप देख लो फिर बात करते हैं, फाइनल करने के बाद दिखाएंगे भाई। लगा के देख रहे कौन, अभी तो हमने करी फाइनल ब्लैक पीपीएफ भाई। पीपीयू और पीपीएफ में क्या फर्क है भाई? टीपीएच में सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, टीपीयू में सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, जैसे नॉर्मल नाखून की जाड़ियों की जो स्क्रैच लगते हैं
धूप से इंस्टेंट सेल फील हो जाती हूँ, स्क्रैच हट जाती है। तो वो ये है ना, ये वाली सबसे पहली वाली। हाँ, ये वाली, ये वाली है ना। लगाना भाई, पर कैसी लगी अम्मी जगह? मिट्टी साफ करनी पड़े, घनी मिट्टी हुई पड़े। दो रखी कटी हुई सुमित, गोल्डन सी हो जाएगी भाई, यो भी ठीक लग रही है। डस्ट गोल्ड है इसको ना, विदाउट लाइट देखेंगे तो ये ब्लैक हो गई। ये हील नहीं करती अपने आप, ये इसमें स्क्रैच पड़ेगी नहीं अपनी, जैसे वेन्यू हो रखे ना जो वाली। एक चीज और देखो आप, जैसे ये वाला स्क्रैच है, ये दोनों में आएगा, कोई सा भी कलर कर लो इस पे पेंट करके, पहले पेंट करेक्शन होगा। ये आपको क्या लग रहा है, रैप चढ़ रखा वाइट इस पे गाड़ी पे? हाँ, तो ये पेंट में भाई है? ये पेंट में है, रैप पे नहीं है। कैसे पता है? एक सेकंड रुको, ये देखो पेंट में जा रहा है। इसका क्या इलाज है? इसका उतारने के बाद देखेंगे कितना पेंट में कितना है, अगर बफिंग से चला गया, कंपाउंडिंग से चला गया तो वेल एंड गुड है, नहीं गया तो इसको करेंगे रिस्टोर भी। अच्छा जी। हाँ भाई यार, बंदों ने ना चाबी चुबी ले गए मेरे पे, तो मार रखी है। ये देखो ना, कोई ना, इसमें सेट एंड वाइट रैप हो रहा है ना पूरी पे। ये हाँ, ये वो वाला सुपर वाइट। हाँ, सुपर वाइट। तो ये भी पेंट में फिर तो देख लेंगे एक बार, उतारने के बाद है ना तब पता चलेगा। और जैसे सपोज मैं गाड़ी देके जाऊँ, कितने दिन में मिल जाएगी अपने? पहले तो ये उतरेगी, दो दिन तो इसको उतरने में लगेंगे। और अच्छा जी। हाँ, अगर वैसे झटके सींचेंगे तो पेंट खराब होने का डर रहेगा 1%। बाकी रीपेंट है नहीं पूरी गाड़ी, तो नॉर्मल से उतर जाएगी, बट थोड़ा सा ना हीट मार के धूप में खड़ी कर तब उतारेंगे। दो दिन इसको उतरने में लगे, और चढ़ने में कितने दिन लगे? चढ़ने में हाँ। चार दिन गाड़ी दूर रखनी पड़ेगी, दूसरी वो उठानी पड़ेगी लेजेंडर। हाँ, वो वाली उठा लेंगे चार। बदले बाइक सी यार, 1000 cc गाड़ी है, एक वरना सारी ले जाओ। ना ना भाई, एक हमारी गाड़ी है ले जाओ, गाड़ी है वरना। अरे ना, ये तो आप ले भाई, हटा लिया पिजा। अरे पीले कुछ ना हुआ, पीले पीले ले भाई। वाह वाह भाई, मुझे मत दिया कर। ये चोर बढ़िया है हमारे घर में, चोर देखना, चोर दिखाऊं भाई? कहाँ से आ रहे हो? बाथरूम में था भाई, खांसी हो रही, क्या करके आया था? बाथरूम में था, आया हूँ। हमारे घर में तो उक्का चला है, पी हुआ मतलब पीने वाला बन। सिगार पी लिया मेरा, सिगार निकाल भाई, ले निकाल लाइव में, मैं भी देखूँ ना ब्लॉग में, सिगार दिखा भाई अपना। इसके अंदर क्या है? ओके, इसके अंदर ओके भाई, चाशनी। अच्छा, तुम्हारे घर में पानी अलग रहा है क्या? ये चाशनी से कलर हो रहा है पानी भाई, हमारा अलग पानी है। ठीक है भाई, अपने घर आ लिए उल्टे। और सुन, गाड़ी कल गेर कहानी, कद गेर कहानी पता भाई, जब तुम्हारा जी करे। तो आपने कही 4 दिन बाद। अच्छा हाँ, ये भी तो है, कल एक बारी पूरा डिटेल समरी करेंगे, और उसके बाद गाड़ी गेर कहेंगे। हमने सेलेक्ट करी है ब्लैक ग्लॉस PPF, उसका नाम कुछ और भी था, तो फॉर्च्यूनर अपनी काली हो जाएगी 5 से 6 दिनों के अंदर। भाई यार, वहाँ चले जाना, हमारी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट। ओके भाई यार, का नाम क्या था उसका? द कस्टम गराज। कुछ भी गाड़ी गुड़ी का काम करवाना हो इस टाइप का, डिटेलिंग वो क्या कह रहा है? डिटेलिंग, PPF, सेरेमिक, एवरीथिंग, पार्टिंग वार्टिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, सब कुछ भाई। तो भाई से करवा लेना, भाई के बुआ का छोड़ रही है, अपना भी मतलब भाई होगा एक तरीके से। और ओ एसी छोड़ दे, एसी छोड़ दे। ठीक है भाई, तुम्हारे घर में नहीं थे खटके मच्छीड़ा करो आगे, है ना? खराब हो रहे नच बदले वाले, तेरी डाल खराब हो लिए। खराब हो लिए तो तू यार इलेक्ट्रिशियन कर दे चेंज। मैं सकल भी मिलती है तुम्हारी, टैक्सी बिल कर रखी है इलेक्ट्रिक, तभी तो कह रहा हूँ कर दो चेंज। ठीक है सिखाया नहीं होगा ना? ओ अच्छा, पढ़ाई लिखाई नहीं आई होगी। साढ़े आए हमारे घर पर स्विच ठीक करने वाले। ठीक है तो भाई करवा लेना, मेरी 5-6 दिन में फॉर्चुनर हो जाएगी काली, उसके बाद करवाएंगे उसने कटारिया वर्गी नीली ऐसी। कैसे छू रहा? अरे यार रहने देने, क्यों मजा आ रहा है? मार तो कुछ ना हो, अरे करवाओ, अरे कर ले। अरे यार पब्लिक सोच के बारे में करते आंडे लगा नुके, सोच ऑन कैमरा ये सब कर भाई, ओनु कह रहा है भाई, ये क्या चीज है यार भाई, भाई एक वो होती है यार शर्म। चलो हम तो बेशरम है ना भाई। हाँ ये भी है। चलो भाई मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ, ये तो बेशरम हो जाए। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। पापा वहाँ सो रहे हैं, आज हम भी घर सो रहे हैं भाई। ठीक है भाई, बाय।